मथुरा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की एक बड़ी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने 10 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्कर बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाकर शराब के ठेकों और अन्य जगह सप्लाई किया करते थे। वृंदावन धर्म नगरी होने के चलते ड्राई जोन घोषित है, और किसी को शक न हो, इसकी वजह से इन शराब तस्करों ने वृंदावन इलाके को अवैध शराब की फैक्ट्री बनाने के लिए चुना था। ये माफिया एक महीने से लगातार अपने अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। वहीं वृंदावन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि बिजली घर के पास अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जो बड़े पैमाने पर आसपास शराब तस्करी का काम कर रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई कर मौके से 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जनपद मथुरा की पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, विशेषकर ये वृंदावन थाने को, जिसमें एक नकली अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद हुई है। करीब 70 लाख से ऊपर का माल रिकवर हुआ है, जिसमें 3 फोर व्हीलर भी हैं, ढेर सारे रैपर, कई ब्रांड्स के रैपर हैं, 77 कैन स्प्रीट बरामद हुई है, जिसमें प्रत्येक में 40 लीटर प्योर स्प्रीट है, जिससे ये लोग दारू बनाते थे। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में उपकरण, स्प्रिट, खाली ड्रम, कैन, बोतल, पैकिंग की मशीन, 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। बरामद माल की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और फरार आरोपी और नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस उन शराब के ठेके को भी चिन्हित कर रही है, जो इस तरीके से अवैध शराब इस अवैध फैक्ट्री से लेकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सरस्वत की रिपोर्ट।